नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका trucksbuses.com पे। आयशा ट्रक्स एंड बसेज ने हैवी ड्यूटी ट्रक्स के अंदर एक नई सीरीज लॉन्च की है। BS6 फेज 2 आ चुका है और एक फेज्ड मैनर के तौर पे कंपनी ने आज 4 प्रोडक्ट्स गुड़गांव के अंदर नए रिवील किए हैं। हमारे पीछे खड़ा है आयशर प्रो 6055 XP। 6055 पहले से भी आता था लेकिन आज यहाँ पर रिवील किया गया है 6055 XP। तो नॉन स्टॉप सीरीज इंट्रोड्यूस की है कंपनी ने, जिसमें पावर रेटिंग, टॉर्क रेटिंग्स बढ़ा दी गई हैं, केबिन के अंदर भी काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो नए प्रो 6055 XP के अंदर क्या नया है, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं इसके केबिन से ही। तो गोल्डन ब्राउन कलर पहले भी SD ट्रक्स के अंदर आता था, लेकिन अब ये एक रेडिश शेड के अंदर कंपनी ने इस केबिन को उतारा है। शेल हालांकि बिल्कुल सेम है। सामने आपको पिगासस लुक में ब्रांडिंग मिल जाएगी, इटैलिक्स में कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये कंपनी का लोगो और बहुत ही चौड़ा बम्पर, फुल्ली सस्पेंडेड केबिन है दोस्तों। तो दो इसमें शॉक एब्जॉर्बर सामने की तरफ लगे हैं और दो केबिन के पीछे की तरफ लगे हैं। तो उबड़ खाबड़ रस्तों में ये ड्राइवर कंफर्ट बहुत अच्छा देते हैं। इंटीग्रेटेड हेडलाइट्स हैं, सिंगल पीस असेंबली है हेडलाइट असेंबली, और फॉग लैंप्स का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। सिंगल पीस विंडशील्ड है, 3 वाइपर्स के साथ में आती है, काफ़ी सारे रियर व्यू मिरर्स इस साइड में, और 2 ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। दरवाजे पे अगर नजर डालें तो यहाँ पे एक स्पेशल ब्रांडिंग 300 की गई है। तो जो नॉन स्टॉप सीरीज निकाली है दोस्तों, इसमें इंजन वही है, 7.7 लीटर इंजन मिलता है, 6 सिलेंडर इंजन है, VDX8 इंजन इसे बोलते हैं, 1700 CC का। लेकिन अब पावर बढ़ चुकी है, पहले इसके अंदर 260 हॉर्स पावर मिलती थी और अब आपको मिलती है पूरी 300 हॉर्स पावर। यही नहीं, जो टॉर्क भी है वो 1000 से बढ़ाकर 1200 न्यूटन मीटर कर दिया गया है। तो गाड़ी की खींचने की क्षमता, पुलिंग पावर बहुत एनहेंस हो चुकी है। साइड लुक बेहद खूबसूरत, 3 यहाँ पे फुटस्टेप्स हैं, दरवाजे पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, क्वार्टर वेंटिलेशन ग्लास भी है इसके अंदर, और ये कटआउट्स वगैरह शेप्स दरवाज़ों को और साइड लुक को काफ़ी खूबसूरत बनाते हुए। ये हालांकि फाइबर मटेरियल है। साइड पे नज़र डाल लेते हैं, ये 2 बैटरीज, यहाँ पे एयर टैंक्स, 50 लीटर का एडब्ल्यू टैंक दिया गया है, 300 mm गहरा चैसी, काफ़ी मजबूत चैसी यहाँ पे, और ये 6x4 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वाला घोड़ा है, 10 चक्का घोड़ा है, पीछे 12 चक्का ट्रॉली के साथ जुड़ जाता है, और ओवरऑल ये 22 चक्का असेंबली बन जाता है। इस किस्म के 22 चक्का ट्रैक्टर ट्रेलर्स को आप यूज़ कर सकते हो बल्कर एप्लीकेशन में, सीमेंट एप्लीकेशन में, आयरन एंड स्टील एग्रीगेट्स, इस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए आप इस घोड़े को यूज़ कर सकते हो। ये बेल क्रैंक मैकेनिज्म वाला घोड़ा है, लेकिन इसके अंदर बोगी सस्पेंशन ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। ये हुआ यू बोल्ट, जिससे कि आपकी ट्रॉली अटैच हो जाएगी, और जहाँ पे टिप ट्रेलर्स वगैरह बनाते हैं वहाँ पे जनरली बोगी सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे सरफेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेल क्रैंक मैकेनिज्म इज़ मोर देन एनफ। ये 11R20 साइज़ के रेडियल टायर्स, 295/90 R20 साइज़ भी इसमें आपको मिल जाती है, 6x4 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है, डबल डिफरेंशियल इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो कंपनी ने इस नॉन स्टॉप सीरीज़ में काफ़ी सारे बदलाव किए, उसमें से एक बदलाव डिफरेंशियल में भी है। अब डिफरेंशियल आपको बड़ा मिलता है, डिफरेंशियल क्राउन बड़ा मिलता है, क्लच बढ़ चुका है, 9 स्पीड गेयरबॉक्स इसके अंदर आपको मिलता है, और 1200 न्यूटन मीटर पावर ट्रांसमिशन के लिए बड़ा क्लच, बड़ा डिफरेंशियल, ताकि आपको ट्रैक्शन ऑन रोड काफ़ी अच्छा मिले। इस ओर आपको 350 लीटर का फ्यूल टैंक, पॉलीमर फ्यूल टैंक मिल जाता है। पहला तो इसका डेड वेट कम होता है, और दूसरा इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स, एंटी फ्यूल थेफ्ट मॉनिटरिंग, फ्यूल लेवल गेज सेंसर वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। स्टेपनी यहाँ पे बीच में दी गई है, और ये है एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, ईट्स इक्विपमेंट जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपको इंजन मिलेगा, उसके आगे गियरबॉक्स, 9 स्पीड गियरबॉक्स है इसके अंदर, और जब हम 4 पॉइंट सस्पेंशन की बात कर रहे थे, 2 शॉक एब्जॉर्बर सामने और 2 शॉकर्स पीछे की ओर मिल जाते हैं। पीछे आपको स्लाइडिंग विंडो भी मिलती है। अंदर से केबिन कैसा दिखता है, आइए नज़र डाल लेते हैं। डोर ट्रिम बेहद खूबसूरत, यहाँ पे आप न्यूज़पेपर वगैरह भी, मैगजीन वगैरह भी रख सकते हैं, 3 फुट स्टेप्स की मदद से आप आसानी से चढ़ सकते हैं। अंदर से सबसे पहला बदलाव, मैकेनिकली सस्पेंडेड सीट दी गई है। सामने जो स्टेयरिंग है, 2 स्पोक स्टेयरिंग है, ये भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, इसके आप हाइट एंड रीच दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। सामने एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, बड़ी सी MID स्क्रीन के साथ में, एर्गोनॉमिक डैशबोर्ड है, सारे कंट्रोल्स ड्राइवर के इर्द गिर्द, यहाँ पे आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, और ये जो गियर है ये 9 स्पीड गियर बॉक्स है, 8 फॉरवर्ड प्लस 1 क्रॉलर और एक रिवर्स गियर भी। सिमिलरली आपको एक कैप्टन सीट मिल जाती है, सामने बड़ी विंडशील्ड है, ऊपर रूफ क्लैडिंग काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश के साथ में, और पीछे की ओर जो स्लीपर बर्थ है ये भी काफ़ी चौड़ी। तो अब जो सोने के लिए जो कंफर्ट की ज़रूरत होती थी वो भी आपको भरपूर मिलेगा। ये तो क्वार्टर वेंटिलेशन ग्लास अगले दरवाज़ों में तो हैं ही,
पीछे जो स्लीपर बर्थ है उसके साथ में भी आप जो ग्लास है उसको आप खोल सकते हैं, तो हवा का सर्कुलेशन वहाँ पे भी आपको बखूबी मिलेगा। अंदर से केबिन काफ़ी नीट एंड क्लीन है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये आइशर प्रो 6055 XP, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।